हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। आज हम सीखेंगे क्लास ट्वेल्थ के वेब एप्लीकेशन का यूनिट टू कस्टमाइजिंग एंड एम्बेडिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट के अंदर एम्बेड टैग के बारे में सीखेंगे, वो भी मोबाइल के थ्रू एप्लीकेशन का यूज़ करके कैसे हम कर सकते हैं। ये आपका पार्ट वन रहेगा। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी कोई भी टैग को करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको वो एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। ये है एंडराइटर ऐप। एंडराइटर फ्री नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए ये वाली ऐप है। ओके, इसका जो लिंक है मैं पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। ये प्ले स्टोर पे है, अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं एम्बेड टैग के लिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी स्टोरेज में जाना है, चाहे आप इंटरनल स्टोरेज में जाओ चाहे एसडी कार्ड स्टोरेज में। ओके, वहाँ पे हम जाते हैं। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट के फोल्डर में जाते हैं, एक हम अपना फोल्डर क्रिएट करेंगे, वेबसाइट के नाम से हमने क्रिएट कर रखा है यहाँ पर। और आपकी जो भी वीडियो फाइल है या इमेज फाइल है वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे एचटीएमएल फाइल भी दिख रही है जो कि हमने एप्लीकेशन के थ्रू क्रिएट करी है। अब उसको यूज़ करते हैं, हमारी एप्लीकेशन ऑन करेंगे। एंडराइटर ऐप है ये, हमारी एंडराइटर ऐप ऑन हो चुकी है। अगर आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो प्लस पे आप क्लिक करोगे, देन आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसको सेव करने के लिए सेव एस पे आपको जाना है, और जहाँ आपने फाइल स्टोर कर रखी है आपकी वीडियो या इमेज, उस फोल्डर में जाके पेस्ट कर देना। जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट में वेबसाइट नाम का फोल्डर बना रखा है, उसमें हम सेव कर देंगे रीनेम करके। ध्यान रहे डॉट एचटीएमएल को नहीं हटाना है, जो नो नेम 3 दे रखा है इसको आप हटाओगे, देन अपनी फाइल का नाम कुछ भी आप रख दोगे। ओके, तो यहाँ पे हमें फाइल सेव नहीं करनी है, कुछ बनानी नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी फाइल बनी हुई है। तो हम उसे ओपन करेंगे, हमारी फाइल है एग्ज़ाम्पल डॉट एच टी एम एल के नाम से। अब यहाँ पे हमने एम्बेड कर रखा है, एम्बेड एस आर सी बताते कि कहाँ से फाइल ली गई है। ठीक है, देन एग्ज़ाम्पल थ्री MP4 आपकी फ़ाइल का नाम है। उसके बाद टाइप है वीडियो /MP4, विड्थ दे रखी है और हाइट दे रखे। अब हमारी जो फाइल है वो एग्ज़ाम्पल के नाम से सेव नहीं है, वो फाइल है हमारी प्रैक के नाम से। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी आप मोबाइल से शूट करते हैं वीडियो, वो एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन में रन नहीं करेगी, उसे सबसे पहले आपको MP4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप के वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर मिलते हैं, कोई से भी आप वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर एक मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, देन उससे आप MP4 में कन्वर्ट कीजिए, तब उसे आप रन कीजिए, तभी वो चलेगी। अभी हम एक फाइल ऐसी लेते हैं जो विदाउट कन्वर्जन है, जिसे कन्वर्ट नहीं किया है, तो देखिए क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ पे हम सोर्स में लेंगे और उसका फॉर्मेट डालेंगे। तो हमारी फाइल का नाम है प्रैक डॉट MP4, जो ऑलरेडी आपके फोल्डर में सेव है। उसके बाद हमने टाइप डाल रखा है वीडियो /MP4, ये MP4 फाइल है, विड्थ और हाइट दे रखी है, बट ये कन्वर्ट नहीं की गई है, हमने इसका सिर्फ फॉर्मेट चेंज कर रखा है। ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट भी जब आप वीडियो शूट करते तो MP4 तो हो जाता है, बट आप इस ऐप के थ्रू जब इसे यूज़ करोगे तो वो रन नहीं करेगी। अब इसे हम प्ले करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे ये देखिए वर्क नहीं कर रही है आपकी वीडियो फाइल। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको इस फाइल को जो भी आपकी वीडियो फाइल है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैंने कन्वर्ट कर रखी है। तो हमने कन्वर्ट करी है Prac 3 के नाम से। देन अब इसे प्ले करेंगे, यहाँ पे ये देखिए ये आपकी फाइल प्ले हो रही है। ओके, इतना है समझ में आपको। देन हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम इसके अंदर इमेज फाइल को इंसर्ट करेंगे। इमेज फाइल हमारी प्रैक के नाम से सेव है, Prac 3 हटा देते हैं। यहाँ पे MP4 की जगह पे हम JPG लिखेंगे। एंड टाइप अगर आपको देना है तो ठीक है, वरना आप टाइप को हटा भी सकते हो। हम यहाँ पे टाइप इंसर्ट कर देते हैं, हमारी फाइल जो है किस टाइप के इमेज फॉर्मेट में है, तो हम इमेज लिखेंगे, स्लैश लगाएंगे, देन JPG हम लिखेंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे ये आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है, विड्थ हाइट हमने दे रखी है, एम्बेड को क्लोज कर रखा है। यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट में एंगल ब्रैकेट लगा होना चाहिए। ओके, अब इसे हम रन करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये आपकी इमेज आ चुकी है प्रीव्यू में।
तो ये तो था हमारा एम्बेड टैग। सो स्टूडेंट, होपफुली आपने इस वीडियो से एम्बेड टैग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम ऑब्जेक्ट टैग के बारे में सीखेंगे। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।